बड़ा सवाल है, चांद पर कैसे बसेगी इंसानों की बस्ती? चांद पर बसे शहर का नजारा कैसा दिखेगा? क्या चांद की जमीन पर भी धरती जैसी फसल लहराएगी? क्या चांद की धरती पर खेती मुमकिन है? विज्ञान कहता है कि चांद पर अभी इंसानों के रहने लायक वातावरण नहीं है, लेकिन नासा का कहना है कि आने वाले वक्त में चंद्रमा की धरती को रहने लायक बनाया जा सकता है। लेकिन दावे के मुताबिक चांद पर बसने वाली बस्ती नहीं होगी सस्ती। अंतरिक्ष में चंद्रमा धरती का सबसे करीबी पड़ोसी पिंड है। पिछले 6 दशकों में इंसानों ने 100 से भी अधिक मून मिशन को अंजाम दिया है। सभी मिशन को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इन मिशन ने चांद को सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला स्थान बना दिया और अब चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं की तलाश हो रही है। अभी तक चंद्रमा से जुड़ी कई हैरान कर देने वाली जानकारियां सामने आई हैं। दावा किया जाता है कि चंद्रमा की मिट्टी में कई तरह के खनिज हैं। चांद की सतह पर पानी होने के भी सबूत मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर जीवन के सबूत भी मिल सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने का सपना पूरा हो सकता है, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं है। चंद्रमा पर इंसान के कदम भले ही साल 1969 में पड़ गए हों, लेकिन कड़वी सच्चाई ये भी है कि 1972 के बाद से किसी भी अंतरिक्ष यात्री ने चांद पर कदम नहीं रखा। जब से इंसान ने चांद पर कदम रखा है, तभी से वहां इंसानी बस्ती बसाने की चर्चा चल रही है। 1972 से अभी तक 51 सालों में कई मून मिशन भेजे गए और उससे जो जानकारी हासिल हुई, उसके बाद से अब चांद पर मानव बस्ती का सपना जल्द आसान हो सकता है, लेकिन ये बहुत अधिक खर्चीला भी हो सकता है, क्योंकि अगर चंद्रमा पर कॉलोनी शुरू करने के लिए धरती से सामान भेजने होंगे तो ये काफी महंगा साबित होगा। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ 100 लोगों के लिए चांद पर जरूरी सामान भेजने के लिए करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ऐसे में अगर चांद पर इंसान को रहने लायक बस्ती बसानी है तो सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना होगा, जिसमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, पेट भरने के लिए खाना, हवा के दबाव से लैस रहने लायक जगह और रोशनी के लिए बिजली जरूरी होगी। दावा है कि इनमें से ज्यादातर जरूरतों को चांद से ही पूरा किया जा सकता है। चंद्रयान 1 की मदद से चांद पर पानी होने की पुष्टि हो चुकी है। पानी की खोज के बाद इसरो अब चांद पर जमी बर्फ का विश्लेषण करने में जुटा है, चांद की सतह की बनावट को समझने में लगा है। नासा के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है। बर्फ के साथ साथ वहां दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। साल 1998 में नासा ने मून मिशन के तहत ये बताया था कि दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन है। नासा का दावा है कि अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होने की वजह से वहां बर्फ होने की संभावना है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई गड्ढे हैं। ज्यादातर गड्ढे ऐसे हैं जहाँ अरबों साल से अंधेरा है। अमेरिका के नासा के मुताबिक घुप अंधेरे के बीच यहाँ बर्फ का जमाव हो सकता है। अंदाजा ये भी है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अरबों सालों से पानी बर्फ के रूप में जमा हो सकता है। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चांद पर बर्फ की मौजूदगी की पुष्टि कर देते हैं तो वहां मानव बस्ती बसाने की संभावना और बढ़ जाएगी। हालांकि इससे पहले भी चंद्रमा की सतह पर पानी होने के संकेत मिले थे। चांद के छाया में रहने वाले हिस्से में पानी के होने के संकेत मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों को चांद के उस हिस्से में पानी होने के साक्ष्य भी मिले हैं जहां सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है। ऐसे में अगर चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पर्याप्त बर्फ होने की पुष्टि कर देता है तो चांद की सतह पर मौजूद बर्फीले पानी से इंसानों की बस्ती और चंद्रमा पर अर्थव्यवस्था के लिए आधार को तैयार करने में मददगार साबित हो सकती है। आइए रसायन विज्ञान की भाषा में समझ लेते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। रसायन विज्ञान में बर्फीले पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। पानी एक एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
2:1 के अनुपात में मौजूद होता है, यानी पानी के एक अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है। H2O equals H2 plus O2, यानी पानी की मौजूदगी में चांद पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाना आसान है। वहीं पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही साथ पानी से चांद पर बिजली भी तैयार की जा सकती है। साफ है, चांद पर मौजूद पानी कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। पानी के इस्तेमाल से सिंचाई के लिए खेती का काम भी आसान किया जा सकता है, क्योंकि चांद पर इंसानों की बस्ती को लेकर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों को तब बड़ी कामयाबी मिली थी जब चांद की मिट्टी में पौधे उगाए गए। अपोलो 11 मिशन के दौरान करीब 22 किलो सामान चंद्रमा से लाया गया था। इसमें तकरीबन 50 चांद के चट्टानों के टुकड़े और चांद की मिट्टी शामिल थी। शोधकर्ताओं को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चांद की धूल भरी मिट्टी में कुछ उग भी सकता है या नहीं। उन्होंने इसे एक प्रयोग के तौर पर लिया कि अगर अगली पीढ़ी में कोई चांद पर जाता है तो वहाँ पर कुछ उगा सकता है। जो नतीजे सामने आए उसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। ऐसे में अगर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता तो चांद पर बस्ती बसाने का सपना अधर में लटक सकता है। यानी चांद पर सस्ती बस्ती बसाने में चंद्रयान 3 बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है, जिसकी शुरुआत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत के धमाकेदार दस्तक के साथ हो चुकी है।